हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशा ठाकुर। एंड चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रिएक्शन वीडियो। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रही हूँ वो है अमित बनाना जी की क्रेजी अंग्रेज़ी। ठीक है, क्रेजी अंग्रेज़ी बाय अमित बनाना। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो पर रिएक्शन। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। काफ़ी दिन बाद आज वीडियो बन रही है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो मैं सिर्फ सॉरी ही बोल सकती हूँ इसके लिए। और टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी, जिस वजह से इस चैनल पर जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी। और अब मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं। मैं डेली तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन ये है कि कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, फिर भी आपको जो है कोशिश करेंगे कि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रेजी अंग्रेजी। बुलंदशहर वाली बहन के लड़के की बस आने वाली है, मैं तो गया नहीं अभी तक। डैड चला जाऊंगा ना, पहले मैं अपना फेस पैक सुखा लूं। आजकल ये लड़के भी ऐसे हो गए। हाँ भाई, खींच के ले ले, चादरा ले ले, हल्की हो या भारी, 10 रुपए सवारे। ये लगा था। अरे कैसे आईफेल टावर हो रहा है? चलो भैया सादरा को ले लो। अब 50 रुपए लगेंगे, आके बैठिए। 50 रुपए? ओ भैया बंदूक कहाँ है आपकी? बंदूक किस लिए? कम से कम लूटना है तो यार बंदूक दिखा के तो लूटो। 50 रुपया में पता भी है तुम्हें मैं अपने बुलंदशहर में क्या क्या लिया करा? 1 किलो प्याज, 2 किलो तोरी, 3 किलो धनिया, 4 स्टैंडर्ड, 2 सेंट्रो, और बाकी पैसा बचे करे ना उनकी प्रतियोगिता दर्पण भी लिया करा अपनी SSC की तैयारी। प्रतियोगिता दर्पण चला जाऊंगा ना। डेड? अबे जिंदा हूँ मैं, जब देखो फिरंगी बना फिरता है, किस किस के साथ घूमता रहता है पता नहीं। अरे तेरी तरह निठल्ला ना है अमित, SSC का एग्जाम देने आ रहा बच्चा। आप मानोगे नहीं, हमारे गांव में ओ मेरे भैया, ये ले चाबी और तू ही चला ले, मेरा दिमाग मत खा, वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खा। मारूंगा कस के, चला जा हंसते हंसते। मामा जी नमस्ते। मामा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भांजे, आ गया तू? मामी को भी नमस्ते है। अरे बेटा नमस्ते। मामा मामी के नालायक लौंडे को भी नमस्ते। नालायक लौंडे भांजे, ये कौन है? ये श्रीमान मेरे मित्र गण है जो मात्र 32 मिनट पहले बने। मामा जी तुम इंटरव्यू बहुत ले हो यार, खाना खिलाने के लिए लाया पक्का। अरे हाँ, आजा तेरा अपने घर है, आजा। मैंने बोला है मामा का घर छोटा है, दिल बहुत ही बड़ा है। अरे भैया हमारे गांव में जो तालाब है ना, वहाँ में जो काई जम जा रहा है तो काई उखाड़ के लगा दी क्या मुंह पे? अरे भाई से डिटेन कहवे हैं ही मैन। तो यार सुनी मैंने, यू डिटेन क्या हुए भाई? तू कैसे करेगा SSC का एग्जाम, उसमें तुझे पता हो एक पेपर इंग्लिश का भी हुआ है, थोड़ा बहुत पता हो इंग्लिश के बारे में कुछ सीख लेंगे। लेकिन अरे कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है जो कभी आवे ही ना है, कभी ना कभी तो इसे भी ले जाना अपने साथ अपने इंग्लिश कोचिंग सेंटर में। ए मम्मी तुम कैसी बात करो, वहाँ मेरे थोड़े बहुत पढ़े लिखे दोस्त आवे। ओ भैया पढ़े लिखे से का मतलब है? मैं कोई अनपढ़ आदमी हूँ भाई, मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ, ज्योग्राफी में हिस्ट्री में टॉप मारा मैंने, वो भी कतई हिंदी मीडियम से। पता ना यार तुमने अंग्रेजी को लेके क्या हुआ बना रखा है, हिंदी में पढ़ा लिखा बालक कोई छात्र ना होता यार, वो भी तो IAS IPS बने। और मैं कोई बंदर हूँ तो तेरे दोस्तों के बीच में जाके उनकी किताब छीन के खा जाऊंगा? ले चले यार। ले आया भाई, आधा दिल तो सचिन भाई तोड़ गए, आधा दिल अब के धोनी भाई तोड़ गए, अब क्रिकेट देखने में वो मजा ना रहा भाई। तुम भी कुछ मजा दिला दो यार, आधे घंटा सुया बैठे हैं, कब चलेंगे कोचिंग? भाई सुन, मेरे दोस्त आने वाले हैं, उनके सामने 2-3 चीज को पता ना लगना चाहिए बिल्कुल भी। एक तो मेरे पापा दूधिया है, दूसरा हम पतली सी गली में रहे हैं। मैंने यहाँ अपना रुतबा बना रखा कि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं फ्लैट में रहूं। कहने इन सुनू तो ना कह रहा कि तू अक्षय कुमार को भांजो यार, गोविंदा को भतीजो यार, तू भी भाई मेरे दोस्त आ गए। यहाँ एक लेवल बना के रखना पड़ेगा, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी इंग्लिश, सिर्फ 3-4 शब्द हैं, लिट लोल योलो स्वैग, बस इन्हें बोलता रहिए इनके सामने। हाय विक्स। हेलो कैटी। हेलो विमी। हाय ब्रो। हेलो हरी। हाय विक्स। सब सब
कहाँ है सांप? भाई मुझे बता दे, मैंने गांव में बहुत सांप पकड़े हैं, एनाकोंडा, कोबरा, अलजेब्रा, कहाँ बचे? अरे बैठ जा बियर गिल्स के फूफा। फूफा, what's that? Shut up, Carrie. I will ask. Wait, listen. Who are you? विम्मी, ये मेरी बुआ का लड़का है। गांव का चोरा, दिल को नहीं हड्डियों को तोड़ा, साइकिल से लेकर चलाऊं हीरो होंडा, myself बलराज कलौंडा। बलराज कलौंडा। So Amit, what does your father do? क्या वो भी विकास के पापा की तरह इंडस्ट्रियलिस्ट है? कौन सी लिस्ट? No, not list. It's industrialist. You know, we are come from big families. And मेरे पापा की टेलीकॉम की कंपनी है। मेरे पापा भी ट्रैवल मारते रहते हैं। ट्रैवल मारते रहते हैं। Right now my father Bhajanpura market में है। और मेरे डैड का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। So Amit, what does your father do? मेरे पापा जी इतने बड़े आदमी ना है, वो तो एक पुलिस में है, पुलिस में DSP। अमित जब फेंक ही रहा है तो CBI में बता देता। वैसे भी जो पुलिस को करना चाहिए आजकल वो CBI कर रही है। पुलिस में है, कानून के हाथ। बता, ये है तुम्हारी खोती? मामा मुझे तो यूं लाया, मैं दही लेना है, तुमने भेजा है ना? Ew, Vicks? ये मिल्कमैन तुम्हें हाथ कैसे लगा रहा है? इसका उधार है क्या तुम पर? चुप, मैं बापू मैं इसका। What? Father? विकास, तुमने मुझे झूठ बोला। See Vimi, I told you, ये विकास ना मुझे पहले से ही लो मार्केट लगता है। सही बोल रही हो कैटी, हमें इसको अपने ग्रुप में इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए था। ब्लडी लो क्लास लूजर। भांजी क्या कह रही है ये? मामा ये नो कह रही है, विकास में दो चाटे पिया दो, अमित छोड़ दो। चल चल दो कोचिंग पे। मामा मेरी किताब। चल 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 चल। ये बात लग गई लड़के को। स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट रिटन बाय अमित पराना। को कैसा फेस करूंगा, उन्हें सब पता लग गया कि मैं अमीर फैमिली से ना हूँ। ओ विक्स की डिब्बी, उम्र और गरीबी कभी भी ना छिपानी चाहिए। है तो है, और वैसे भी ना अमीरी गरीबी देख के दोस्ती ना होती है, ऐसी दोस्ती फेक रह रहे। अरे वो बात तो ठीक है, पर उन तीनों ने मेरी बहुत बेइज्जती करी है, मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। इतनी तकड़ी इंग्लिश बोलूंगा कि बिल गेट्स भी रुकेगा क्या बोला है लड़के ने। अरे यार तू कितना बावड़ा आदमी है, तुमने इंग्लिश को लेकर इतना हवा क्यों बना रखा है यार? मैं तो है कितनी बार बताऊं, इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट नॉलेज। अरे भाई मैं भी तो लोगों को कब से यही समझा रहा हूँ कि हिंदी में पढ़ा हुआ ज्ञान क्या ज्ञान नहीं होता। अरे साइंस ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ो तो क्या काम नहीं आती? अरे चाचा तुम ज्ञान कम पेलो, रेस पेलो और आगे बढ़ो। समझा यार, थोड़े से समझदार से लग रहे हो तुम। आप इंग्लिश? ऑफ कोर्स आई नो इंग्लिश, एनीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश। और वैसे भी मेरे इस ऑटो में बहुत से फॉरेनर बैठते हैं, बस उन्हीं से सीखा हूं मैं। और मैंने तो अपनी बेटी को भी सिखा दी है, 10वीं में 3 बार फेल हुई है, लेकिन अंग्रेजी एकदम लल्लन टॉप। देखो इंग्लिश जानने के साथ साथ उसे बोलने का सलीका भी आना चाहिए, ठीक है? दोनों मेरे साथ बोलो, रोंडा फेबल पुट हर पेन ऑन द टेबल। रैंडी ऑर्टन पुट हर पेन ऑन द टेबल। रैंडी ऑर्टन नहीं, सही से बोलो, रोंडा लोंडा बलराज का लोंडा। अरे लोंडा नहीं बाबा, रोंडा, हीरो होंडा, हीरो होंडा, रोंडा। Rhonda Fable put her pen on the table. Yes. अरे गो, बहुत सही बोला। Can you please tell me where is this place? Oh, you वाला। एक काम कर भाई। सीधा जा छाती की सीध में। भाई only English। छाती की सीध में। Okay. Going to chest straight. Going to chest straight. House. Come gone. Right. Why, yeah. Wrong. Then kuwa kam. Water kuwa. Then perchun soap. Then house kam. Now you are. Thanks, buddy. कहाँ जाएंगे? English है तुम्हारी? यार यू अभी बीड़ी मांग के गया ना? ए यार अभी ने बीड़ी भी चाहिए। Take from Satpal perchun soap. It is pleasure. It is. अरे माल नहीं,
मॉल, पार्क नहीं होता पार, और तुम्हारा ये बिस्कुट नहीं होता बिस्किट। ऑटो वाले को ज्यादा बिस्कुट खा ले। मामी बिस्कुट नहीं बिस्किट। सर व्हाट इज टुडे टॉपिक? टुडे इज माय डॉटर्स बर्थडे। टुडे इज माय डॉटर्स बर्थडे। अरे आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, सुबह वो सो रही थी, अभी उठ गई होगी, उसे मैं वीडियो कॉल करके आता हूँ, रुको। हैप्पी बर्थडे डियर। पता नहीं क्या है ना। हैप्पी बर्थडे बेटा। ओफो पापा, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू डोंट कॉल मी डियर। विकास मैं समझ गई। वेयर आर यू गाइस? इट्स माय बर्थडे। तुम लोगों का हमेशा का ये है, परेशान आ गई हूँ तुमसे। पार्टी इज अबाउट टू बिगिन गाइस, कम फास्ट। क्या हाल है विमलेश के? एक्सक्यूज मी, हु विमलेश? यू विमलेश, डॉटर ऑफ मिस्टर गैंग। देखो आई एम विमी। हाँ विमलेश विमी है, जैसे कुसुम लता कैटी है, हरीश हैरी है, और मैं अमित बड़ाना थोड़ी ना हूँ। अमिताभ बच्चन जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर तो बहुत छोटी चीज है, हम तो पूरे का पूरा पहाड़ फेंक देते हैं। अच्छे कपड़े पहनने से, दो चार शब्द अंग्रेजी के मारने से, अमीरी गरीबी से इंसान अच्छा थोड़ी ना हो जाता है, सच्चा होने से इंसान अच्छा हो जाता है। पिताजी किसान है, मैं खुद एक मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं शर्माता नहीं हूँ ये बताने में। फिर तुम्हें किस बात की शर्म ये बताने में कि तुम एक ऑटो वाले की लड़की हो? विमलेश हैप्पी बर्थडे बेटा। ओफो पापा, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू डोंट कॉल मी विमलेश, आई एम विमी। बेटा आई जस्ट कॉल यू टू विश यू हैप्पी बर्थडे। इसका मतलब विमी है जो, वो विमलेश 420 है। मेरे दो नए दोस्त बने हैं, अब मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। कम ऑन पापा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके दोस्तों से मिलूं। ये तेरी हाईफाई दोस्त 10वीं में 3 बार फेल है और ये ज्ञानचंद जी की लड़की है, कब तक इस नकली दुनिया में रहोगे, कब तक इन लोगों के चक्कर में नकली बनते रहोगे? अरे निकलो इस दुनिया से। माना तुम 10वीं में 3 बार फेल हुई हो, लेकिन टैलेंटेड तो तुम हो, क्योंकि तुमने भाषा सीख ली, उससे भी ज्यादा टैलेंटेड और समझदार तुम्हारे पिताजी हैं। तो ऐसे पिताजी की कदर करो ना। लेकिन ये जो भाषा से जज करना है ना, अरे कोई सी भी भाषा हो कोई भी सीख लेता है, प्रैक्टिस का खेल है। मैंने सीख ली 2 हफ्ते में, आपकी भाषा में बोलूँ तो आई एम नॉट फेक। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो अमीरी गरीबी देख के कभी नहीं लाई आ रही, कपड़ों से जज करना है बड़ी गंदी बीमारी। मैं हूँ यूनिवर्सिटी का टॉपर, आप और आपके दोस्तों की तरह नहीं हो लो। अमित प्लीज किसी को मत बताना प्लीज। प्लीज ये दूध वाले के फ्रेंड को हमारी पार्टी में किसने बुलाया? मैं बताता हूँ ना हुआ क्या कुसुम लता, दूध चाहिए था पार्टी के लिए, तो विमी का हैप्पी बर्थडे है, समझ गया ना हरीश, इसलिए दूध लाया हूँ। अब क्या ही तुम्हारा जन्मदिन बेकार करूं, हैप्पी बर्थडे। अंकल जी को नमस्ते बोलना। भाई कुसुम लता आज देख मैं क्या करता हूँ, उसकी सारी पोल खोल दूंगा और इतनी बेइज्जती मारूंगा ना इंग्लिश में। दिमाग सुचल थोड़ा सा, क्या उसकी पोल खोलेगा यार दुनिया के सामने, ऊपर से नीचे तक खुद फेक है यार। मुझे उसके पापा पे तरस आ गया यार। लेकिन तेरे लिए आज उससे बात जरूर करूंगा, सुध हिंदी में। कोई स्लो मोशन रखो यार। तुम्हें क्या लगा बदला लिया जाएगा? अरे हर बार बदला ना लिया जाता है, कभी कभी बदलाव भी लाया जावे। पॉइंट है, आज इसका जन्मदिन है, कल मेरा है। हेलो पापा, आप मेरे बर्थडे पे नहीं आओगे? ओ सो हार्ट टचिंग पिक्चर, अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ चाहिए लोन। पापा क्या करते हैं? पापा दूध ही आए मेरे, कोई दिक्कत आ गई क्या? ठीक है तो आ जाओ। वाओ
बहुत 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 बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी वीडियो, मतलब फनी भी, एक मैसेज भी उन लोगों के लिए जो कि आज की रेस में बस भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं, और शो ऑफ जो एक बन गया है ना कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाली चीज़ें, कि दूसरे ने आईफोन लिया है हमें भी चाहिए, भले हम उस चीज़ को, हम उसके लायक हैं या नहीं, हम उसे खरीद सकते हैं या नहीं, हमारे पास पैसे हैं या नहीं, हमें बस वो चीज़ चाहिए, मतलब इस तरह की चीज़, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं खुद को कि हाँ हम भी उस रेस में हैं, हम भी जो है ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, महंगे महंगे खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं, महंगे कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं, महंगे फुटवेयर अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में रहती हैं ना, हम दूसरों को देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, नहीं जिसको बोलते हैं भेड़ चाल, तो वो चीज़ों से हमें सबको बचना चाहिए। एक मैसेज है इस वीडियो के थ्रू, और ये बिल्कुल सही है कि हमको इसको खुद पे लागू करना चाहिए, हमें कभी भी दूसरों का देख के कि अरे यार इसके पास ये है हमारे पास क्यों नहीं है, तो आप मेहनत करो, शायद आपके पास वो उससे भी कुछ बहुत बेटर आए आगे, लेकिन एटलीस्ट पेशेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो कोई भी चीज़ आपकी सक्सेसफुल आप नहीं बन सकते, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो थी, शुरू में इसका जो पार्ट था वो बहुत ही फनी था, और लास्ट में बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज था सभी लोगों के लिए, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए, स्पेशली जितने भी टीनएजर्स हैं उनके लिए भी। तो गाइस आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं किया, मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी, और मुझे इस वीडियो के थ्रू जो मैसेज दिया अमित भड़ाना जी ने वो भी बहुत अच्छा लगा। सो आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि नेक्स्ट किस वीडियो पे आपको रिएक्शन चाहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।